दोस्तों को टाटा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा वी कनेक्टर, महिंद्रा का आई स्मार्ट जाल टेस्ट का हार्डवेयर, VIDIG हार्डवेयर चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। तो आज हमारे पास आई टाटा एस गोल्ड VS6। टाटा एस गोल्ड VS6 में आज मैं बताऊंगा किस तरीके से लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो हार्डवेयर कैसा है VXDIG हार्डवेयर से। इसके पहले मैंने आपको गरुड़ा हार्डवेयर से कैसे काम करते हैं मैंने बताया था। अब मैं आपको आज बात करने वाला हूँ टाटा एस गोल्ड VS6 का VXDIG हार्डवेयर से किस तरीके से काम करें। देख रहे हैं ये क्लस्टर मीटर में चेक लाइट, MI लैंप, री जनरेशन, ये सारी लाइट आ रही है। तो ये लाइट आने से किस तरीके से काम करते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो में क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, ये आपको रीजनसन लाइट दिखी, ये रीजनसन लाइट इस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं। क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। तो आप वीडियो से ज़रा से भी स्किप मत करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अभी मैंने हार्डवेयर लगाया, ये देख पा रहे हैं आप क्लस्टर मीटर हार्डवेयर इस तरीके से लगाया। अब उसके बाद लैपटॉप लगाते हैं। लैपटॉप देख रहे हैं मैंने ECU डिटेल ओपन किया हुआ है। ECU डिटेल में इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन पुराना है। जब भी सॉफ्टवेयर वर्जन पुराना है मैंने लैपटॉप लगाया, इसमें रीजन से समस्या आ रही है। जब भी गाड़ी में रीजन से समस्या है तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए आपको क्या चेक करना है, गाड़ी में सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर है या ओल्ड वर्जन का है। तो मैंने देखा इसमें ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर है। तो अब मैंने CV फ्लैशिंग फाइल खोल के इसमें ID पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। अब गाड़ी कौन सी है हमारी, टाटा एस गोल्ड VS6। तो यहाँ पे VS6 सेलेक्ट कर रहा हूँ। VS6 सेलेक्ट करने के बाद अब मैं सेलेक्ट करूँगा गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, 700 CC DI इंजन, तो इसमें 600 CC 800 CC DI इंजन सेलेक्ट करेंगे। हार्डवेयर हम लोग के पास कौन सा है, VXDIG हार्डवेयर, ये VXDIG हार्डवेयर यहाँ पे सेलेक्ट किए देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते थे VXDIG से फ्लैशिंग होगा कि नहीं होगा, तो आज मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ VXDIG हार्डवेयर से भी गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग देख रहे थे VXDIG हार्डवेयर से फ्लैशिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास में टाटा एस गोल्ड VS6 गाड़ी, ये देख रहे हैं अटेंड करके दिखाया हम। और जो कस्टमर ये हार्डवेयर लिए हैं वो भी मुंबई के ही है, बहुत बहुत हैप्पी हुए ये हार्डवेयर लेने के बाद, तभी उनको लगा कि नहीं फ्लैशिंग भी हो रहा है इससे। अब स्टार्ट हो गया फ्लैशिंग, जैसा कि VC नंबर मांगता है सेम गरुड़ा के जैसा काम करता है, जैसा गरुड़ा वी कनेक्टर काम करता है सेम वैसे ही काम करता है। अब मैं इसमें VC नंबर डाल रहा हूँ 5137 24 20000 R। ये VC नंबर डालने के बाद जब मैंने जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया, ये आप देख पा रहे हो जैसे ही ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन फ्लैशिंग होना चालू हो जा रहा है। अभी आप सबको इतना तो मालूम होगा फ्लैशिंग किस तरीके से किया जाता है, मैंने फ्लैशिंग करना भी बताया। अभी देख रहे हैं VXDIG हार्डवेयर पूरा आपको लाइव प्रूफ है, इसमें ज़रा से भी वो नहीं है कि कहीं भी कन्फ्यूजन हो। अगर आप VXDIG का हार्डवेयर मेरे से लेते हो तो 100% पूरा फुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ वो काम करेगा। और आप एक बार लेंगे तो ये गरुड़ा से और वी कनेक्टर ज़्यादा अच्छा काम करता है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो 85,000 70,000 या 50,000 कुछ भी आपको 50 के नीचे मिलेगा नहीं। ओरिजिनल गरुड़ा आप लेते हैं तो ये ओरिजिनल गरुड़ा के जैसा ही काम करेगा और बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर लें। और देखिए इस तरीके से हमारा गाड़ी का फ्लैशिंग हो रहा है, टाटा एस गोल्ड VS6 गाड़ी, ये देख पा रहे हैं एक फाइल अपडेट हो गया। अभी मैं आपको क्लस्टर मीटर भी दिखा रहा हूँ फ्लैशिंग के टाइम किस तरीके से क्लस्टर मीटर होता है, पूरा डेफ का व्लिंक करने लगेगा और गाड़ी का जो टेम्परेचर का है वो पूरा व्लिंक करने लगेगा। तो ये जब भी फ्लैशिंग होगा, अभी दूसरा फाइल भी डाउनलोड हो रहा है, इस तरीके से चारों फाइल डाउनलोड होगा और काफ़ी अच्छा रन करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास कम बजट में आप अच्छा हार्डवेयर लेना चाहते हैं तो आप VXDIG हार्डवेयर लो। तो अभी इस तरीके से चारों फाइल इसका डाउनलोड पूरा सक्सेसफुली हो गया, ये आप देख पा रहे हो चारों फाइल डाउनलोड होने के बाद। अभी कैसा है, जब भी गाड़ी का यूजफुल फ्लैशिंग हो जाता है तो उसमें लिख के आता है डू द इग्निशन ऑफ वेट 3 मिनट, ऐसा लिख के आता है। देखिए अभी फ्लैशिंग हो गया, इसमें लिख के आ रहा है गाड़ी का चाबी ऑफ करिए और 2 मिनट से 3 मिनट तक वेट करिए। आप नॉर्मली 1 से 1.5 मिनट भी वेट करोगे, वेट करके चाबी ऑन करो तो भी आप गाड़ी का हो जाएगी फ्लैशिंग अच्छे से। फ्लैशिंग होने के बाद अब आप हम लोग रीजेंशन लगाते हैं गाड़ी का और रीजेंशन करते हैं। अब हम लोग TDS सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद EMI CC खोलेंगे। EMI CC खोल के अब हम लोग देखेंगे क्या कोड आ रहा है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कौन सा ECU डिटेल आया है। तो आप देख पा रहे हैं 1127 लेटेस्ट वर्जन, लास्ट का 4 अंक देखते हैं क्या लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं। अब हम लोग सर्विस रीजन्स में क्लिक किए, सूट मास ज़्यादा है तो हम लोग DPF रीसेट करेंगे।
DPF रीसेट करने के बाद DPF रीसेट कैसे करते हैं वो भी आप जान लीजिए ये वीडियो में। पूरा एक वीडियो पूरा कंबाइंड हो रहा है, इसमें चारों टॉपिक हो रहे हैं, कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं और उसके बाद किस तरीके से हम रीजन करते हैं, किस तरीके से फ्लैशिंग करते हैं। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद सूट मास कम हुआ 26 ग्राम। अब मैं इसका रीजनसन लगाता हूँ और ये गाड़ी का फाइनली सक्सेसफुल रीजनसन हो जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास कम बजट है और आप VXDIG कोई भी हार्डवेयर टाटा का लेना चाहते हैं तो आप VXDIG हार्डवेयर लो, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, एकदम जेन्युइन है। टाटा और महिंद्रा दोनों गाड़ियों में एकदम फाइनल फुल सपोर्ट के साथ आपको मैं दूंगा और आप कभी भी सर्विस सपोर्ट ले सकते हो कॉल करके। धन्यवाद।